तो गाइस फाइनली यहाँ पर बोर्ड कटने का, तो यहाँ पर हमारा बोर्ड जो है हम लोग स्विच लगा दी 4 2 सॉकेट, और देखिए वहाँ 1 सॉकेट और नीचे में हमारा बोर्ड फिटिंग हो गया, ठीक है। और देखिए यहाँ पर हम लोग कौन कौन सा वायर लेके आए, यहाँ पर हमारा डिक्स वायर लेके आए, HDMI केबल और स्पीकर का वायर का काम। तो देखिए यहाँ पर प्रोफाइल पट्टी लगाया जा रहा है। देखिए यहाँ पर डिफ्यूज़र जो लगाने का तरीका आपको बताया था, एक लकड़ी का टुकड़ा लेना। तो गाइस ये हमारा TV यूनिट है, और यहाँ पर लाइट किस तरीके से लगाया गया आज के टॉपिक में आप। हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो हाय दोस्तों, कमलेश इलेक्ट्रिशियन में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक दोस्तों आपको बताएंगे, टीवी यूनिट में हम लोग वायर डाले थे और वो बनाए थे फर्स्ट पार्ट, और ये दोस्तों ये हमारा दूसरा पार्ट है। आपको दूसरा पार्ट में क्या समझाएंगे, वहाँ पर हम पहले पार्ट में हम लोग वायर डालने का टेक्निक आपको समझाया था, किस तरीके से फर्नीचर में पॉइंट बनाना है तो वायर कैसे डालते, तो ये हमारा दूसरे पार्ट में आपको बताएंगे किस तरीके से वहाँ पर लाइट लगाया जाता है, बोर्ड कैसे कटिंग करना है, और वहाँ पर हमारा कितने मॉडलर का कहाँ पर कौन सा बोर्ड कटिंग किया जाएगा। तो वहाँ पर जैसे कि हाइलाइटर लगने के बाद कैसे कटिंग करेंगे, आज के टॉपिक में आपको पूरा डिटेल बताएंगे, क्योंकि सरमाइका लग जाता है, विनियल लग जाता है, उसके बाद काटने के लिए प्रॉब्लम जाता है, तो आपको उसको आसान तरीके से काटना सिखाएंगे। और साइड साइड में अपना प्रोफाइल लाइट है, उसको डिफ्यूज़र के द्वारा हम लोग कैसे लगाएंगे, प्रोफाइल लाइट पट्टी कैसे लगाएंगे, पूरा डिटेल आपको बताएंगे, और कौन सा ब्रांड का लगाएंगे तो कैसा काम करने वाला है, इफेक्ट कमाल। तो दोस्तों आप वीडियो पे बन रही है, तो आपको लेके चलते हैं हमारे टॉपिक पे। और दोस्तों वीडियो पे न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि हमारा कमलेश इलेक्ट्रिकल का वीडियो आपको मिलते रहे। तो दोस्तों आपको लेके चलते हैं हमारे फर्नीचर की, देख सकते हो ये हमारा TV यूनिट रेडी हो चुका, और ये हमारा देख सकते हो विनियल लग चुका, और उसके बाद देखिए यहाँ पर अपने को लाइट का पॉइंट व्यवस्था किए थे पहले पार्ट में आपको, और उसके बाद दूसरे पार्ट में आपको लाइट लगाना सिखाएंगे, किस तरीके से कौन सा लाइट लगाएंगे तो इफेक्ट आएगा अपने को, ठीक है। अपने को पॉइंट चाहिए तो कैसा कटिंग करेंगे आपको बता देते हैं, और किस तरीके से कटिंग करते हैं आपको दिखाते हैं। पहले इसको कटिंग करेंगे, उसके बाद आपको कौन कौन सा मटेरियल लग। तो गाइस देखिए यहाँ पर है हमारे पास मशीन, और मशीन से हम लोग जेकी का बीड लगाएं, और जेकी का बीड लगाने के बाद देखिए किस तरीके से यहाँ पर फर्नीचर वाले कटिंग कर रहे हैं। आप वीडियो पे बिल्कुल स्किप मत करना, नहीं तो बोर्ड का कटिंग आप देख नहीं पाओगे किस तरीके से बोर्ड का कटिंग हो जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हो ये हमारा हाइलाइटर कटिंग हो चुका, और देख सकते हो और काफ़ी अच्छे तरीके से बोर्ड कटिंग हुआ है, पहले से फर्नीचर कटिंग हुआ था, और ये 3 मॉडलर का बोर्ड, और ये साइड में देखिए यहाँ पर अपने को लाइट लगाना है। तो सभी का वायर पार्ट 1 में वायरिंग आपको समझा दिए थे, और ये पार्ट 2 में आपको पूरा डिटेल यहाँ पर कौन सा लाइट कौन और ये देखिए ये हमारा पॉइंट वायर है, ठीक है। ये हम लोग माइनस प्लस पॉइंट बना रहे हैं, पॉइंट 3 तरफ देना है, 1 और ये 2 और 3, एक जगह का और प्लानिंग हुआ है, यहाँ 4th जगह और पॉइंट बनाएंगे अभी, तो हम वायर लोग को बाहर कर दिए। और इसके लिए आपको बता दें HDMI केबल जो है हम लोग का नीचे में आएगा, यहाँ पर सेटअप बॉक्स बैठे तो वहाँ पर हमारा बोर्ड रहेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, वहाँ से अपने को HDMI केबल डालना है अभी, और लाइन केबल को वहाँ पहुँचाना है, ठीक है। 3 मॉडलर बोर्ड पे, ये मॉडलर बोर्ड पे, ये 3 मॉडलर बोर्ड इसलिए लगाया जाता है, बोर्ड के पीछे तरफ जो हमारा TV आ गया ना, TV यूनिट से अपना वायर जो है नीचे सेटअप बॉक्स में ओपन दिखना नहीं चाहिए, तो उसको पूरा अंडरग्राउंड होगा, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर पॉइंट किए। तो ये यहाँ से हम लोग HDMI केबल डालेंगे, और आपको बता देते हैं यहाँ पर जो HDMI केबल डालोगे ओरिजिनल रहना चाहिए, ये डुप्लीकेट बिल्कुल नहीं चाहिए अपने को, नहीं तो ये TV यहाँ पर आप अच्छी कंपनी का लगाओगे तो पिक्चर आएगा और वीडियो फिर से रिटर्न चले जाएगा। हमारे पास है मटेरियल, ये हमारा 8 मॉडलर का बोर्ड है, यहाँ पर पहले से बना के रखे थे, और देखिए ये 6 मॉडलर का प्लेट है, इसी में हम लोग सॉकेट डालेंगे, नीचे में अपने को खाली सॉकेट रखना है, ठीक है। मुकेश सॉकेट को बनाए, ये दो सॉकेट लगेगा वहाँ पर, और ये 2 स्विच, ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके से, और ये जो है मटेरियल आपको बता देता हूँ, एक रोप लाइट भी लगने वाला है, तो रोप लाइट का ये ड्राइवर है, और हमारे पास रोप लाइट भी है, ये देखिए रोप लाइट हमारे पास, यहाँ पर HDMI केबल है, और ये ड्राइवर है, और ये हमारा LED स्ट्रिप है, ठीक है। ये हमारा प्रोफाइल लाइट भी यूज होगा, और यहाँ पर 16 mm का हमारा प्रोफाइल लाइट है, प्रोफाइल पट्टी है, ठीक है, अल्मोनियम का। तो इतना ही सामान हमारा ये TV यूनिट में लगने वाला है, ठीक है। तो कैसे लगाएंगे आप वीडियो पे बने रहे, आपको डिटेल समझ आए कहाँ पर कौन सा सामान लगने वाला है, ठीक है। तो आपको पता ही होगा हम लोग जो है प्रोफाइल लाइट लगाते थे, ये LED स्ट्रिप रॉयल कंपनी का यूज करते थे, अभी हम लोग क्रिस्टियन कंपनी का LED स्ट्रिप लेके आए, और ये 35
इसका ये देख सकते हो 35-240 एलईडी बल्ब, ठीक है 28-35 मॉडल है और ये 12 वोल्ट डीसी है और ये वॉम वाइट है, ठीक है ग्रीन लिखा हुआ वॉम वाइट है। तो आज नया वाला यूज कर रहे हैं, कैसा आता है इफेक्ट अब जल्दी बताना कमेंट में, और उसके बाद हम इसको देखते हैं इसका रिजल्ट कैसा अपने को मिलता है। पावर सप्लाई भी 10 एम्पीयर का, और ये देखिए ठीक है, तो हम इसी को यूज करेंगे और कैसे तरीके से लगाएंगे आप वीडियो पे बनाएं पूरा डिटेल आपको समझाएंगे कौन कौन सा जगह कहाँ लगाना। सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम लोग HDMI केबल डालेंगे, उस बार हम लोग दो वायर डाले थे उसको फर्नीचर वाले लोग बाहर कर दिए थे, तो हम लोग HDMI केबल वायर डालने के लिए इसकी स्प्रिंग डालेंगे, अंदर में पूरा पोला रहता है 2 इंच करीब, ताकि HDMI केबल वायर आने का जगह बन सके। और देख सकते हो यहाँ पर हम लोग डालने के बाद नीचे में हमारा पास स्प्रिंग आ गया, उसके बाद हम लोग लाइन केबल दो मेन लाइन पावर सप्लाई और HDMI केबल डालेंगे और वो बोर्ड पे 3 मॉडलर पे ले जाएंगे, ठीक है। और उसमें का जो है लाइन केबल जो है इंटरनेट का केबल वो डायरेक्ट टीवी में जाएगा, कोई भी सेटअप बॉक्स में नहीं जाएगा, तो हम लोग डायरेक्ट टीवी पे निकाल देते हैं क्योंकि वहाँ पर लाइन केबल लगेगा पॉइंट, तो ये जो है हो जाएगा। तो आप देख सकते हो वहाँ पर हमारा पॉइंट चले गया, और सभी वायर आने के बाद देखिए यहाँ पर हमारा माइनस प्लस है सबको जोड़ देना है ताकि अपना स्विच से ऑपरेट हो जाए टीवी। एक स्विच ऑन करेंगे तो 5 पिन सॉकेट लॉक ऑन हो जाएगा, तो इसको अच्छे से टेप लगा लेते हैं यहाँ पर। और ये देखिए ये नीचे में हम लोग और एक बोर्ड है 6 मॉडलर का, उसमें हम लोग ट्रांसफ़र कर चुके, आपको दिखाते हैं पास लेके मोबाइल को। तो यहाँ पर हमारा बोर्ड जो है हम लोग स्विच लगा दी 4 2 सॉकेट, और देखिए वहाँ 1 सॉकेट और नीचे में हमारा बोर्ड फिटिंग हो गया, ठीक है। और देखिए यहाँ पर हम लोग कौन कौन सा वायर लेके आए, यहाँ पर हमारा डिक्स वायर लेके आए, HDMI केबल और स्पीकर का वायर, तो ये हो गया हमारा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग रोप लाइट लगाने वाले हैं इस जगह, देखिए यहाँ पर पॉइंट दिया गया, इसमें हम लोग रोप लाइट लगाएंगे यहाँ से वहाँ तक, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग चोक रख नहीं सकते अंदर में, चोक भी अंदर डाल सकते हैं ऐसे जगह है हमारे पास, फिर हम लोग सोच रहे हैं चोक को यहाँ रखेंगे अपने को, तो चोक कैसे रखना है आपको बताते हैं। चलो रोप लाइट के पहले आपको बताते हैं, यहाँ पर हमारा प्रोफाइल लाइट चालू हो गया काम, तो देखिए यहाँ पर प्रोफाइल पट्टी लगाया जा रहा है। देखिए यहाँ पर हम लोग जो प्रोफाइल लाइट लगाया रहे यहाँ पर अपने को पता चला क्या लगने वाला है, पहले हम लोग को बिल्कुल पता नहीं था क्या लगेगा, यहाँ पर खाली अपने को लाइट लगाने बोल दिए थे, तो यहाँ पर लग रहा है ऑनेक्स लगेगा, तो इफेक्ट में अपने को लाइट दिखेगा, इसीलिए दोनों तरफ हम लोग लाइट प्लानिंग किए हैं ताकि अभी प्रोफाइल लाइट का जो रोशनी अच्छे से मिले। तो दोनों तरफ आप देख सकते हो यहाँ पर भी होगा और दोनों तरफ ऑनेक्स लगने वाला है, तो हम जो है प्लानिंग करते हैं। और ये देख सकते हो तेज हमारा भीड़ा हुआ है, और ये देख सकते हो छोटा सा मशीन लिया आप POP स्क्रू से, हर जगह 2-2 फीट की दूरी में स्क्रू लगा रहा है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा रखना है मशीन को, और ये देखिए POP स्क्रू से टाइट मारना है, ठीक है। तो ये अपने को छोटा मशीन चाहिए, इसके हिसाब से अपने को देखिए ये पट्टी ऐसा लग जाएगा हमारा, तो हम लोग 2-3 जगह लॉक करेंगे क्योंकि ज़्यादा लंबा, तो देखिए 2-3 जगह हम लोग यहाँ पर स्क्रू लगा देंगे और ये हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा तरीके से वहाँ भी अपन को लगाना है। गाइस दोनों तरफ हमारा प्रोफाइल लाइट पट्टी लग चुका, आप देख सकते हो इधर भी और इधर भी। तो हम क्या करने वाले हैं, अब हम लोग लगाने वाले हैं LED स्ट्रिप। ये रॉयल कंपनी आज नहीं लगा रहे हम लोग, क्रिश्चियन कंपनी का लगा रहे हैं, और ये 5 मीटर का है और ये भी 28-35 है 240 LED बल्ब, तो इसको आज लगा रहे हैं हम लोग, देखते हैं इसका परफॉर्मेंस कैसा रहता है और अपने को रोशनी कैसे मिलेगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हो यहाँ हमारा LED स्ट्रिप है, तो हम क्या किए यहाँ से हम लोग मेजर लिए, वहाँ से अपना 8 फीट और 10 इंच हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसका पूरा मेजर ले लिए, तो क्या करेंगे हम लोग इसका पूरा वायर को मेजर लेके यहाँ पर हम लोग इसको स्टिकर है यहाँ पर, ठीक है, ब्लू कलर का स्टिकर है, इसको बाहर कर रहे हैं हम लोग, दिखाते हैं आपको ब्लू कलर का स्टिकर, और ये देखिए ठीक है उसको स्टिकर बाहर करना है, इसका गोंद बाहर नहीं करना है, तो चलो स्टिकर बाहर कर दिए इस तरीके से, और ऊपर से अपने को मेजर लेना है और करना है, ठीक है, अपने को 1 इंच ऊपर से छोड़ना है और ऊपर ठीक बीचों बीच रखा, ठीक है बीच में रखना है, और देखिए यहाँ पर स्टिकर जैसे निकालते हुए आएंगे ना, यहाँ पर देखिए पूरा लार्ज स्टेज है, तो लार्ज स्टेज तक हम लोग पूरा अभी हाथ से हल्का सा प्रेस करना है, और ये ऑटोमेटिक यहाँ पर बीच सेंटर पे रखने के बाद हमारा चिपक जाएगा, ऐसा हाथ पे प्रेस करना है, उसके बाद देखिए स्टिकर एक खोलते जाना है। और पहले आपको बताते हैं लास्ट में क्या करना है अपने को,
ये पूरा सीधा लेके जाना है अपने को। और हम लोग क्योंकि पहले से हम लोग मेजर ले लिए, ठीक है, इसको अपने को काटना नहीं पड़ेगा क्योंकि हम लोग मेजर लेके इसको कटिंग कर दिए। तो आपको दिखाते हैं, यहाँ पर देखिए ये लार्ज स्टेप में आके ये छूट जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से स्ट्रिप जो है हमारा रेडी हो गया। आप देखिए स्ट्रिप जो है लग चुका है यहाँ से एक साइड का, ठीक है। और उसके बाद ऊपर जिसे अपने को लगाते हुए लेके आना है, एक इंच छोड़ देना ऊपर, उसके बाद लेके आना है, ठीक है। वहाँ पर मुकेश जो हाथ पकड़ा है वहाँ से अपने को एक इंच छोड़ना है और ये हम लोग सेंटर रखते हैं। आप यह उसको भी निकालना है यहाँ। तो चलो पूरा स्टिकर लगाते हैं और उसके बाद आपको बताएंगे कैसे तरीके से इसको करना है। तो देखिए यहाँ का हमारा दोनों तरफ का हो गया LED स्ट्रिप, ठीक है। तो ये पूरा ऊपर तक हो गया और इसका वायरिंग भी कर दी हम लोग। वायरिंग आपको समझाते हैं उस जगह जाके, क्योंकि वहाँ पर मुकेश जल्दी करना था तो उसका वायरिंग फटाक से कर दिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको फिर से सेम प्रोसीजर में यहाँ पर हम लोग मेजरमेंट ले लिए स्ट्रिप का। और आपको बता देते हैं स्ट्रिप को कहीं भी काट के आप लगा सकते हो, ऐसा नहीं कहीं एक मीटर पर रोप लाइट पर काटना पड़ता है। तो ये कहीं भी आप 3 LED बल्ब 4 LED बल्ब छोड़ के ना कहीं भी आप कटिंग कर सकते हो। तो सेम प्रोसीजर में यहाँ भी हम लोग लगाएंगे। तो मुकेश अभी स्टिकर को लगा रहा है, ठीक है। तो उसके बाद आप तो फाइनली आप देख सकते हो दोनों तरफ हम लोग स्ट्रिप जो है लगा दी यहाँ पर ये पूरा। और उसके बाद हम आपको समझाते हैं वायरिंग क्या करना है। हम लोग पहले पार्ट में हम लोग वायर छोड़े थे, उसी के लिए हमारा LED स्ट्रिप लगे, रोप लाइट लगे, कुछ भी लगे तो हमारा दोनों माइनस प्लस काम आ जाना चाहिए। तो हम बताते हैं कैसे जोड़ना है। वहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारा दो माइनस प्लस है, ये ब्लू वाला हमारा प्लस है और ये माइनस है, ठीक है। और यहाँ पर माइनस प्लस रेड और ब्लैक। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर देख रहे हो आप, तो ये अपने को जोड़ना है दोनों को और ये यहाँ का भी जोड़ना है, ठीक है। तो ये देखिए ये माइनस प्लस जो हम लोग दो वायर इधर से लेके आए थे ना पहले 1 mm 1 mm का जो खींचे थे, उसको अपने को जो LED स्ट्रिप है उसमें माइनस प्लस में जोड़ देना है। तो ये हमारा कनेक्शन हो जाएगा। चलो इसको करने दो मुकेश को, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये बोर्ड के ओर लेके गए थे माइनस प्लस और ये स्ट्रिप का है और इधर का स्ट्रिप, टोटल हमारा हो रहा है 5 मीटर का। तो 5 मीटर एक चौक में चलेगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर हमारे को माइनस प्लस जोड़ दिए, ठीक है। देखिए माइनस माइनस में है और देखिए प्लस प्लस में। तो ये हो गया यहाँ का माइनस प्लस वायरिंग। इसीलिए मैं बोल रहा था यहाँ का जब वायरिंग करते हैं ना तो पूरा अपने को माइनस प्लस लेके जाना है बोर्ड तक डायरेक्ट, कहीं भी लाइट पॉइंट टाइप का जम्फर नहीं करना है, अपने को डायरेक्ट लेके जाना है। तो यहाँ पर देखिए प्रोफाइल लाइट का ये प्लान हो चुका और इस तरीके से अपना लाइट वर्क होगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर हम लोग माइनस प्लस जोड़ दिए, इसको टेप लगाते हैं और उसके बाद आपको इसको पहले चेक करेंगे, तब जाके यहाँ पर डिफ्यूज़र है उसका डिफ्यूज़र लगाएंगे, ठीक है। अपने पास है दो ड्राइवर, तो दो ड्राइवर पे क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस प्लस वायर है तो इसका आउटपुट पे अपने को लगाना है, ठीक है। आउटपुट है हमारे पास यहाँ, एम्पियर को बिल्कुल ध्यान देना, नहीं तो यहाँ पर हीट सिंक गर्म हो के हमारा प्लाई जल सकता है, ठीक है। तो एम्पियर हिसाब से अपने को 5 मीटर में 10 एम्पियर का चोक लगाते हैं ड्राइवर, तो 10 एम्पियर लगाएंगे। तो इसको हम लोग माइनस प्लस जोड़ देते हैं, ठीक है। अपने पास 3 चाहिए, अपने को यहाँ के लिए भी अपने को चाहिए और वहाँ के लिए भी चाहिए, ठीक। टोटल हमारा 3 हो रहा है। अभी हम लोग 2 का स्ट्रिप लगाएँ और ये नीचे वाला छोड़ दिए अभी, क्योंकि अपने पास मटेरियल कम है। अभी हम लोग लगाएंगे इसको, पहले हम लोग उसको तैयारी किए। तो पहले 2 हम लोग चालू कर लेते हैं अभी प्लानिंग। तो ये दोनों को हम लोग को जोड़ना है अभी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस प्लस लिखा हो उसी में अपने को जोड़ना है, ठीक है। आपको दिखाता हूँ माइनस प्लस जो पॉइंट है यहाँ पर, देखिए 2 माइनस 2 प्लस दिया है। तो हम लोग को एक एक पे जोड़ना है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ माइनस में और उसके बाद प्लस में। तो देखिए दोनों में अपने को माइनस प्लस भी जोड़ लेते हैं और उसके बाद हम लोग को कनेक्शन बनाना है और फर्नीचर के अंदर डालना है, सबसे बड़े टॉपिक ये है। और अब भी जब भी आप प्लानिंग करोगे ना तो इसके हिसाब से अपने को जो है ड्राइवर देख लेना, क्योंकि इसका हाइट जो है इसका लेंथ लंबाई रहेगा और उसका डीप जो है ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पर फर्नीचर के अंदर नहीं आता। तो ये देखिए हम लोग पतला वाला लेके आए पावर ड्राइवर, तो ये आसान से लग जाता है हमारा। तो इसको हम लोग एक लगा दिए, इसके बाद इस सेम माइनस प्लस इसमें भी है, वैसे ही लगाना अपने को, ठीक है। तो देखते हैं हम यहाँ पर पॉइंट है हमारा, तो इसी में अपने को लगाना है। तो ये देखिए प्लस वाले लगा देते हैं अभी और ये दोनों लग गया हमारा ड्राइवर, ठीक है। पर आउटपुट हम लोग जोड़ दिए, यहाँ पर इनपुट है पावर सप्लाई। तो यहाँ पर लूपिंग कर देंगे यहाँ से यहाँ और एक पॉइंट बना देंगे, ठीक है।
देखिए जैसे दो चोक अपने को जोड़ना नहीं रहता है तो इस तरीके से लूपिंग बनाना, यहाँ से वायर लेना, बीच से ज्वाइंट करना है, क्योंकि यहाँ पर हमारा ज्वाइंट करने के लिए जो नट है ना छोटा छोटा जगह रहता है उसमें हमारा दो दो वायर जाता ही नहीं, तो हम लोग इस तरीके से प्लानिंग करते हैं। तो हमारा माइनस वाला पॉइंट जो है ये न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल पे न्यूट्रल डालना है, ठीक है, कोई चेंजिंग नहीं करना है अपने को, पूरा सेम टू सेम करना, इसीलिए हम लोग ब्लैक और रेड वायर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग ज्वाइंट किए न्यूट्रल पे न्यूट्रल, एल पे हमारा फेस, ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके से ये पॉइंट बन गया हमारा। तो हम क्या करेंगे, ये स्विच बोर्ड पे जाएगा, तो हम लोग स्विच बोर्ड का मेजर ले लेते हैं, और एक पीस और जोड़ना भी हम लोग बाद में जोड़ेंगे, पहले हम लोग दोनों को चालू करना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा बोर्ड है, तो हम क्या कर रहे हैं, एक पहले नंबर के स्विच पे डाल रहे हैं इसको, ठीक है। एक वायर लेके आए रेड कलर का, तो हमारा पॉइंट पे डाल रहे हैं, तो इसको डालते हैं कनेक्शन, कनेक्शन कर दिए और स्विच ऑन करते हैं। और देखिए यहाँ से हमारा आउटपुट जाना चालू हो गया, इंडिकेटर शो हो रहा है, और आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो हमारा रोप लाइट, स्ट्रिप लाइट, जो भी आप बोल सकते हो, प्रोफाइल लाइट, तो ये हमारा स्ट्रिप चालू हो चुका, आप देख सकते हो। तो क्या हो गया हमारा, ये तो चालू हो गया, इसके ऊपर हम लोगों को डिफ्यूज़र लगाना है। पहले हम लोग को चेक करना था इसको दोनों तरफ का, तो ये दोनों तरफ का ऑन हो गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपने को डिफ्यूज़र लगाना भी। तो डिफ्यूज़र लगाने का मकसद, इसका कारण आपको बता देते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो है कवर, इसमें डिफ्यूज़र लगाने से क्या होगा, ये लाइट दिख रहा है आपको, लाइट भी हम लोग यहाँ पर डिफ्यूज़र लगा देंगे, तो ये फाइनली ये पैक हो जाएगा, तो यहाँ पर अपने को इफेक्ट आएगा। और ये जो है ऑनेक्स लगने वाला है, तो ऑनेक्स में क्या है, हमारे को इफेक्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, तब भी हम लोग यहाँ पर डिफ्यूज़र लगा देंगे, दोनों तरफ ऐसे लगाएंगे। दोनों तो चेक हो गया हमारा, और बच गया हमारे को वहाँ पर और काम करना है, तो ये दोनों लग गया ऐसे, ठीक है। और ये नीचे में भी काम है, वो भी लगाने के बाद और मस्त लगेगा, देखते हैं। अभी पहले इसको प्लानिंग कर लेते हैं और उसके बाद वहाँ करेंगे, ठीक है। डिफ्यूज़र लगाते हैं, दोनों तो चेक हो गया हमारा, और बच गया हमारे को वहाँ पर और काम करना है, तो ये दोनों लग गया ऐसे, ठीक है। और ये नीचे में भी काम है, वो भी लगाने के बाद और मस्त लगेगा, देखते हैं। अभी पहले इसको प्लानिंग कर लेते हैं और उसके बाद वहाँ करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर डिफ्यूज़र जो लगाने का तरीका आपको बताया था, एक लकड़ी का टुकड़ा लेना है और हल्का सा प्रेस करते जाना है, और आराम से ये डिफ्यूज़र हमारा लग जाएगा, क्योंकि हाथ से बार बार प्रेस करेंगे ना तो बहुत देर लग जाता है। तो हम क्या करते हैं, एक लकड़ी का टुकड़ा लेते हैं और इसको प्रेस करते हुए लेके जाते हैं, तो बहुत आसान से लगता है ये। तो देखते ही यहाँ पर और एक तरफ है, उसको भी अच्छे तरीके से लगा देते हैं डिफ्यूज़र। सही नीचे से स्टार्टिंग करना है और इसको लगाना है, ठीक है। मुकेश भी भीड़ा हुआ उधर, और ये फाइनली ऑलमोस्ट काम हो चुका। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपने पास रोप लाइट लगाने का बहुत सारा जगह है, तो हम क्या करेंगे, इसमें जो है चोक यहाँ पर ड्राइवर रखेंगे, अंदर पे ड्राइवर नहीं रखेंगे, क्योंकि वहाँ से अपने को डायरेक्ट चाहिए, और ड्राइवर यहाँ पर रखेंगे। इसमें माइनस प्लस भी लेके आए, ताकि रोप लाइट लगाए, प्रोफाइल लाइट लगाए, कुछ भी। तो यहाँ पर अपने को कम रोशनी चाहिए, तो हम क्या करें, रोप लाइट लगाने का प्लान, ठीक है। देखिए हमारे पास ये रोप लाइट है, और क्या होता है, यहाँ पर अपने को बैटरा से चिपकाने से बहुत प्रॉब्लम होता है, इसके लिए हमारे पास क्या व्यवस्था है आपको दिखाते हैं। देखिए हमारे को ये रोप लाइट का क्लेम मिलता है, जो पिन जैसे कि काजू क्लिप रहता है ना, वैसी टाइप का मिलेगा। और ये क्या होगा, इसके ऊपर हम लोग डालेंगे, ठीक है, ऐसे डालेंगे और दो स्क्रू मार देंगे, तो ये हमारा रोप लाइट सीधा का सीधा रहेगा और ये अच्छे से रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से पोजिशन में रखेंगे अपने को, और ये लॉक कर देंगे ऐसा, तो पूरा सेम ऐसा करेंगे। तो वायरिंग करने दो, मुकेश को पहले ड्राइवर रखना है। तो देखिए यहाँ पर मेल फीमेल हमारा टू पिन था, उसको कटिंग कर दें, क्योंकि अपने को ज्वाइंट करना है 100%, ठीक है। तो क्या करेंगे, वहाँ पर लूज कनेक्ट होता है, तो हम उसको काट के फेंक देते हैं, और यहाँ पर डायरेक्ट वायर को जोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस प्लस जोड़ दे रहा है मुकेश ड्राइवर को, उसके बाद आपको बताते हैं कैसे लगाना है अंदर में, ठीक है, लाइट को। तो वायरिंग हो गया और ये हमारा रोप लाइट चालू हो गया, ठीक है। अपने को कम रोशनी चाहिए था, इसीलिए हम लोग रोप लाइट का प्लानिंग किए यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम लोग को रोशनी कम चाहिए था, इसीलिए रोप लाइट का प्लानिंग किए, और इस तरीके से अंदर पे अपने को लगाना है। तो क्या करेंगे, अभी हम लोग जो है क्लिप बताया था, क्लिप को यूज करेंगे और स्क्रू लगाएंगे। यहाँ पर देखिए ड्रिल बिट चाहिए अपने को, ड्रिल बिट में अपने को पी ओ पी स्क्रू, छोटा छोटा स्क्रू भी मिला है यहाँ पर, उसी को लगाना है अपने को, ठीक है। यहाँ पर हम लोग इस तरीके से मशीन लिए, और ये देखिए पिन है हमारा, ठीक है, आपको दिखा रहे हैं। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर हमारा रोप लाइट लग रहा है ना, उसके ऊपर अपने को लगाना है अंदर में डाल के। पर टेक्निक कैसे यूज कर रहे हैं हम लोग, वहाँ पर पिन रखें और ये ड्रिल से अपन को करना है, ठीक है। तो आपको दिखाते हैं कैसा करना है इसको, ये देखिए।
अंदर पे गया और बीच में रखे सेंटर पे और ये ड्रिल को चलाएंगे और ये हो गया काम है। देखिए यहाँ एक दो जगह और किए हैं, उसी एंगल पे अभी हम लोग किए हैं और आप देख सकते हो रोप लाइट अंदर में आपको पता चल रहा होगा, अपने को ज़्यादा रोशनी मिल रहा है तो पता नहीं चल रहा है। तो फाइनली हम लोग का काम हो चुका, तो लगाना है रोप लाइट लगा ली, प्रोफाइल लाइट लगा ली, बस नीचे का और बचा हुआ है उसका मटेरियल काम है हमारे पास। तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो हम लोग पहले जो यहाँ का जो है अंदर डाल देते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पर तो हम लोग दोनों तरफ का लाइट ऑन कर दिया, तीसरे वाले यहाँ के लिए अपने पास मटेरियल नहीं है और हमारा हो गया पोपट। और आप सोच रहे होंगे वीडियो काफ़ी लंबा बना देता है, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, मेरे पास मटेरियल नहीं रहता, उसी हिसाब से मैं वीडियो भी बनाया जाता है, क्योंकि इसी में हमारा 17 से 18 मिनट हो चुका। और वीडियो आप देखे होंगे तो फाइनली आपको पता चल गया किस तरीके से हम लोग प्रोफाइल लाइट लगाएं साइड साइड का, और ये तीनों जो हम लोग बोर्ड के पीछे जो है अंदर डालने वाले हैं। तो हम लोग जो है इसका वीडियो जो है अगले पार्ट में और डिटेल आपको समझाएंगे, तीसरा पार्ट लेके आएंगे इसके लिए। और वीडियो कैसा था दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, वीडियो अच्छा लगे दोस्तों चैनल को कर ली सब्सक्राइब ताकि कमलेश इलेक्ट्रिक गर्ल का वीडियो मिलते रहे। तो चलो मिलते हैं तीसरा पार्ट में, थैंक यू।